साथियों, आइए हम जानते हैं आज हमारी पृथ्वी पर लाखों करोड़ों जीव जंतु निवास करते हैं। आज हम आपको उसी जीव जंतु में से एक ऐसा कीट है जिसके बारे में बताएंगे तो आप सुनकर चौंक जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया का हर चौथा जानवर बिट्टल कीट ही है। बिट्टल कीट दुनिया के लगभग हर हिस्से में मिलता है। केवल पृथ्वी के ध्रुवों और खारे पानी के महासागरों में यह कीड़ा की प्रजाति नहीं मिलती है। साथियों, एक अनुमान के अनुसार करीबन 3 लाख बिट्टल कीट की प्रजाति इस दुनिया में है। अभी भी बिट्टल कीट की अन्य प्रजातियों की खोज जारी है। दोस्तों, अन्य कीट की तरह इस भी कीट की 6 पैर होते हैं और यह कीट कई रंगों में पाया जाता है, लेकिन मुख्यतः इनका रंग काला या भूरा होता है। बिट्टल इंसेक्ट के आगे की ओर एक एंटीना होता है जिससे यह कीट गंध और वाइब्रेशन का पता आसानी से लगा सकता है। साथियों, बिट्टल कीट के शरीर की खोल या आवरण या ऊपरी सतह इनकी बहुत ही सख्त होती है। इस कीट का आकार करीबन 6 इंच तक होता है। दोस्तों, मादा बिट्टल करीबन एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। जी हाँ, आपने सही सुना, यह कीट कई 100 अंडे एक ही बार में देता है। दोस्तों, यह कीट पर्यावरण मानव के लिए अच्छा है और बुरा भी है। कुछ बिट्टल प्रजाति पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है तो कुछ लाभदायक पहुंचाती है। कुछ प्रजातियां फसल को नुकसान भी करती है, जबकि कुछ कीड़े फसल या पौधे को फायदा देते हैं। यह कीड़ा हर प्रकार के वातावरण में रह सकता है। यह गंदे पानी से लेकर स्वच्छ पानी में भी रह लेता है। बिट्टल जमीन पर भी रह लेता है। यह कीड़ा आमतौर पर बिट्टल कीट की भोजन उपलब्ध वाली जगह पर अधिकतम पाया जाता है। साथियों, यह कीड़ा पौधे की पत्तियां, बीज और फल खाता है। कुछ बड़े आकार के बिट्टल एक दूसरे से छोटे कीड़े को भी खा जाते हैं और अन्य कुछ बिट्टल प्रजाति के कीड़े लकड़ी और पौधे की छाल भी बहुत आसानी से खाते हैं। साथियों, ज़्यादातर बिट्टल कीट की प्रजाति रात को ही एक्टिव रहती है तो कुछ प्रजातियां दिन के समय भी एक्टिव रहती है। आपको बता दें कि बिट्टल कीट के कई शिकारी भी हैं जो लार्वा और वयस्क बिट्टल का शिकार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे पक्षी, छिपकली, मछली, चींटी, ड्रैगन फ्लाई बिट्टल कीट को खाना बेहद ही पसंद करते हैं। साथियों, यह कीड़ा में एक ही खासियत है कि यह कीड़ा देखने में असमर्थ होता है, जिससे बिट्टल वाइब्रेशन आवाज से आसपास में संचार करते हैं। कुछ प्रजातियां के कीड़े किसी प्रकार का रसायन छोड़ते हैं जिससे यह आपस में एक दूसरे से बातचीत कर सके। साथियों, अंत में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दे कि इंसानों के लिए कई बिट्टल प्रजाति नुकसानदेह भी होती है और कुछ बिट्टल एसिड छोड़ती है जिसे हम मनुष्य की त्वचा जल सकती है। अफ्रीका में मिलने वाली एक प्रजाति है जो काफ़ी जहरीली होती है। साथियों, इस बिट्टल प्रजाति के कीड़े की जीवन काल की बात कर ले तो इसका जीवन काल लगभग 1 वर्ष होता है, परंतु कुछ बिट्टल प्रजाति के कीड़े ज़्यादा भी दिन जी लेते हैं। साथियों, हमें उम्मीद है कि आपको इस बिट्टल कीट के बारे में जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह पसंद आई होगी तो इसे फेसबुक और ट्विटर पे जरूर शेयर करिएगा।